हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता है सैटिस्फैक्ट्री। बाय इंट्रो बना रहा था, मेरे पीछे पड़ गए हैं गुंडे। ए गुंडा कहाँ गया? अभी तो यहीं था भाई, अभी यहीं कहीं था भाई, कसम से यहीं कहीं था। ठीक है, बढ़िया है, वो इधर उधर घूम रहा। हम जल्दी से एक काम करते हैं, ये लपक लेते हैं भाई, फिर उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाएगा। पहले ये लपक लेगा, जल्दी से अपन यहाँ आए। उसी के साथ हमारा पहला मर्सी स्पीयर आ गया। ठीक है, ये नया भाई। Attention, your brain's operations are outside typical parameters. Time spent daydreaming will be deducted from your sustenance budget. सही है, तो हमने मियर स्पीयर उठा लिया है, मर्सी स्पीयर जैसे भी बोलेंगे उसको। भाई मेरे को छोड़ दे, ये है गुंडा, और गुंडा को दिखा देते हैं। भैया गुंडा क्या करता है? गुंडा मारता है आग वाले गोले बेटे। ओ भाई साहब, ये तो भूत बना देगा मेरा भाई, ये असली में भूत बना देगा, ये असली में भूत बना देगा। मन निकलता है मेरे पास, जब तक तलवार नहीं आती तब तक मैं इससे लड़ेगा नहीं। अरे छोड़ दे बे, चले जा इधर उधर। हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा चकमा देते हैं इसको और फिर से देखते हैं, क्या पता हमें यहाँ और कुछ इंटरेस्टिंग आइटम मिल जाए। ठीक है भाई, एक तो ये आ चुका है। अच्छा, हमारे पास पहले से भी एक था। सही है, हमारे पास दो स्पीयर्स आ चुके हैं। स्पीयर से हम पहले भी एक शायद रिसर्च कर चुके हैं, एक बार चेक करेंगे। एक बार बेस पहुँचेंगे और फिर चेक करेंगे कि स्पीयर से एक्चुअल में रिसर्च करने पर हमने क्या क्या खोला था। और यहाँ पे इको है। अच्छा, ये तो कोल है। एक काम करते हैं, कोल भी थोड़ा सा तोड़ के रख लेते हैं अपने पास, क्या पता हमें कोल भी रिसर्च करना हो। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि कोल कोई रिसर्च वाली चीज़ है, बट फिर भी तोड़ के रख लेते हैं भैया। जेबा में आ जा भैया कोल। हमने जेब में कोल डाल लिया, कोल के साथ हमने एक बार और चेक किया। इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते भाई, ये पॉइजन छोड़ता है। पॉइजन छोड़ने के साथ साथ, हाँ भाई इधर का हो गया, बढ़िया बढ़िया हिसाब किताब। हम जल्दी से काम करते हैं, वापस से एक बार इधर आ जाते हैं। ये वाली हमारी एक आउटपोस्ट है, जिसमें आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया था कि बाबा हमने ये वाली गलत लगा दी है भाई, मार्क 1 की बेल्ट लगा दी थी, वो हमने गलती सुधार ली है, या हमने मार्क 2 की बेल्ट लगा दी है, क्योंकि ये दो बेल्टों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है जी, अब ये बढ़िया तरीके से दोनों मशीनें काम करेंगी और दोनों मशीनें एक वाली यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी। यहाँ इसको बनने दो बहुत बढ़िया तरीके से। हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से अपने बेस पहुँचते हैं। भाई जो लोग नए हैं उनको मैं दिखा दूँ, ये है मेरा स्टार्टिंग बेस, जिसको बनाने में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जिस इसको अति सुंदर बना लें। यार एक वो भी लगाएंगे, एक टावर सा बनाएंगे और इस पर चढ़ जाएंगे भाई, फिर इससे हम घूमेंगे पूरा मैप। हम ये भी कर सकते हैं, ये भी मेरे टू डू लिस्ट में है। सो गाइज, ये टेढ़ा मेढ़ा, ये ऊपर गुब्बारा, ये क्या कर रहा है भाई? हाँ तो गाइज, ये मेरा टेढ़ा मेढ़ा अभी बेस है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हम इसको बहुत ही शानदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके। पिछली बार हमने इसके नीचे वाला सेक्शन बनाया था, जो हमारा बेसिक चीज़ें बना के हमें दे रहा है भाई। यहाँ पर सारी की सारी बेसिक चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। बेसिक से एक लेवल ऊपर आते हैं तो हम यहाँ आ जाते हैं। लास्ट वाले एपिसोड में हमने ये वाली मशीनें बनाई थी, और एक बार मैं ऊपर चढ़ के देखना चाहेगा भाई कि क्या क्या हिसाब किताब हो रहा है यार। तो देखो भाई, इसमें हमारे पास यहाँ ये फ्रेमवर्क आने शुरू हो गए, मॉडर्न फ्रेमवर्क आ गए। इसमें हमारे पास रोटर्स आने शुरू हो गए हैं, और इसमें हमारे पास रीइंफोर्स्ड आयरन प्लेटें आ गई हैं, जो कि बहुत कम हो रखी हैं। एक बार मेरे को चेक करने दो भाई कि कैसा हिसाब किताब है। अगर हम यहाँ आए, यहाँ पे हमारे पास 5 है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ज़्यादा। तो हम एक काम करेंगे भाई, हम कहेंगे कि तुम आगे मत जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, तुम अभी रुक जाओ, तुम पहले यहीं जमा हो जाओ। जब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इनफ हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे तुम आगे प्रोसीड करना। अभी हमें रीइंफोर्स आयरन प्लेटों की ज़्यादा ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ ये वाले फ्रेमवर्क्स की। ठीक है जी, यहाँ पे ये सब बन रहा है, बहुत बढ़िया से इनको बनने देते हैं। एक बार ज़रा नीचे पहुँच के देखते हैं, जो हम स्पीयर उठा के लाए हैं उससे हम क्या कर सकते हैं। एक बार भैया मेरे को यहाँ पहुँचा दो, ये हमारा हब है। हब में आके हम एक बार चेक करेंगे कि हमारी नेक्स्ट टीयर क्या क्या है। एक तो ये है भाई, इसके लिए ये सारा सामान मांगता है, इसको थोड़ा सा वेट कराते हैं। साथ साथ यहाँ पे रिसर्च सेंटर है हमारा, इसमें हम देखेंगे भाई। ठीक है जी, हम ओके अगर हम ये बना लें सैम फ्लक्चुएटर, तो हम भाई ये बना सकते हैं डिपॉजिट। सैम फ्लक्चुएटर कैसे बनेगा ये? ये कैसे बनता है भाई? अच्छा, मुझे लग रहा है इसके लिए सैम ओर की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी है, ठीक है, ये लाएंगे, इसको स्कैन करेंगे, फिर यहाँ कुछ फ्लक्चुएटर खुलेगा भाई। ठीक है जी, बाकी हमारे पास कुछ पड़ा है? हमारे पास किथेरियम पड़ा है, जल्दी से हम किथेरियम को स्कैन कर लेते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया भाई।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ खुल गई हैं। ओके दीदी, थैंक यू दीदी, बाय बाय दीदी। दीदी हमें बता रही है कि हमने किथेरियम को स्कैन कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम किथेरियम को ये किथेरियम को ऐसे करके स्कैन कर सकते हैं अपने इस पे, मतलब रिसर्च कर लिया हमने किथेरियम को, और अब हम स्कैन कर करके उनकी ओर आस पास है वो निकाल सकते हैं। भाई देखो, एक 550 मीटर पे वहाँ पे एक वो है, एक 800 पे, ठीक है, इससे हमें पता चलता रहेगा। साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, हमारे पास और पावर स्लग सिलिका, अगर ये बना सकते हैं भाई, ये बना सकते हैं। हमारे पास 20 क्वार्ट्स के वो होने चाहिए तो हम ये बना पाएंगे। अगर मुझे कहीं क्वार्ट्स मिलता है, एक बार मैं क्वार्ट्स को भी वो कर सकता हूँ क्या, क्वार्ट्स को भी हम करते हैं। भाई मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने लिए ब्लेड रनर बनाते हैं ताकि हम थोड़ा सा तेज भाग सकें। और अगर हम चेक करें, भाई काफ़ी दूर है हमारे बेस से, तो अभी तक तो आया नहीं, स्कैन ही नहीं हुआ, इसका मतलब 1000 मीटर पे कहीं वहाँ दूर कोने में है भाई, और 1500 मीटर पे वहाँ दूर है, तो दैट मीन्स अभी ब्लेड रनर दूर है भाई, ब्लेड रनर में टाइम लगेगा, हम ऐसे ही भागेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमने एक बार चेक करना है कि रोटर्स कितनी बना ली है, एक बार आके देखें। इसको ये अटक गया बेचारा, इसको निकाल देता हूँ भाई यहाँ से। ए भाई चले जा, बाय बाय, सी यू, टाटा। ठीक है जी, अब मुझे लग रहा है नीचे अटक गया, इसके नीचे वाले में अटक गया, कोई नहीं। हमने क्या किया, हमने यहाँ से आके रोटर्स उठाई, अब हमारे पास 50 रोटर्स हो गए। अरे चले जा ताऊ, चले जा कहीं को, तो चले जा मेरी फैक्ट्री में मत जा, बस दूसरी तरफ चले जा, भाग जा, फैक्ट्री में घुस जाता भाई। ठीक है, इसको भी करेंगे, इसको सॉर्ट अप करेंगे बहुत जल्दी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बाहर दीवारें लगाने वाला हूँ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ये देखो अब ये यहाँ अटक गया, इसको मेरे को लग रहा खलासी करना पड़ जाएगा भाई, नहीं तो ऐसा होगा नहीं, इसको चटका देंगे ऐसा टोचन मार मार के। ठीक है, इसका भी करेंगे इलाज, सबसे पहले हम ये खोल लेते हैं जंप पैड। खोलने के लिए हमारे पास सब कुछ आ चुका है, हम जल्दी से यहाँ भरेंगे, और भरने के साथ साथ इसको आसमान में भेज देंगे, आसमान में हमारी कंपनी है, फिक्स इट, बाय बाय टाटा सिया। कहाँ गया ये राजा, ये जरा। ठीक है दीदी शांत। दीदी को किया हमने शांत, दीदी हमें बता रही है हमने माइलस्टोन रीच कर लिया, अब हम जंप पैड्स बना सकते हैं अपने लिए। जंप पैड्स बहुत सही चीज़ होती है भाई, जंप पैड्स अगर मैं आपको दिखाया हूँ किधर, अभी ये जंप पैड ट्रांसपोर्ट में होगा, जंप पैड ये है, ऐसे करके ये लगा देंगे तो ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो उसमें इतनी हम जंप मार सकते हैं भाई। तो हम कुछ इस टाइप से लगाएंगे कि हम ऊपर पहुँच जाएँ। अगर हम डायरेक्ट ऊपर नहीं पहुँचा रहे मेरे को, तो अगर हम इसको रोटेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, पहले तो आता था भाई। अगर मैं देखो ऐसे करके एक यहाँ पे यूं करके यूं लगाना चाहूँ, ठीक है, हमने ऐसे करके लगाया, अबे लग जा भाई कहीं तो लग जा। ठीक है, एक एग्जांपल टेस्टिंग चल रही है भाई, ऐसे करके लगाया और हमने एक जंप पैड लगाया, टेढ़ा क्यों नहीं लग रहा, ऊपर को लगाना था मेरे को। जंप पैड भी काम नहीं करेगा भाई, हमने कुछ ज़्यादा ही ऊपर बना दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, देखेंगे ऊपर का जब जाना होगा तो हम या तो हम अपने लिए रैंप बनाएंगे या तो फिर सीढ़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जंप पैड हमारा इतनी ऊपर तक नहीं पहुंचा रहा, कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार यहां ज़रा आते हैं, नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर खोलने के लिए ओके ठीक है, नेक्स्ट ईयर खुलने के लिए हमें भाई थोड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपने लिए बनाना पड़ेगा एक स्पेस एलिवेटर, को ज़्यादा ही बड़ा भाई। तो स्पेस एलिवेटर को हम एक काम करते हैं, हम इसको आई से करें यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ये भी टेम्प्ररी है, जब तक हमारी टीयर्स नहीं खुल रही हम तब तक के लिए यहाँ इसको पटक देंगे, बाद में इसकी एक बढ़िया सी जगह बनाएंगे भाई, अभी के लिए ये मेरे को सही लग रही है जगह। ठीक है, अब भाई स्पेस एलिवेटर बनाने के लिए अगर मैं देखूं, तो अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं तो अब हमें दिखाएगा राइट साइड में कि हमें क्या क्या चीज़ें मांगता है। ये भाई तो अटक ही गया भाई, भाई निकल जा भाई, इधर उधर चलेगा, चलो हम यहाँ से इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वायर उठा ली, और अब हमें आयरन प्लेट की ज़रूरत है, जल्दी से आयरन प्लेट उठा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ऑटोमेट हो चुकी है तो हमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, हमारे पास सब कुछ आ चुका है भाई, और सब कुछ आने के साथ साथ जल्दी से एक स्पेस एलिवेटर गर्मागर्म जल्दी से लगा देते हैं भाई। स्पेस एलिवेटर, मेरे को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ गुंडा घूम रहा। ठीक है, हम ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, हम पास ही रहेंगे, हमने पास ला के आई से करके स्पेस एलिवेटर लगा दिया भाई। ये देखो इसमें ठुक ना जाए भाई ऊपर आसमान में भाई, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है भाई, ये कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त चीज़ है। सो गाइस, स्पेस एलिवेटर का हम इस्तेमाल करेंगे
आसमान में चीजें भेजने के लिए जब हम बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो इसमें भेजेंगे ऊपर आसमान में। देखो ऊपर से सैटेलाइट आ रही है भाई, फुल सैटेलाइट है, एंटीना है, क्या है ये जो भी है। अभी इसको एक बार नीचे आने दो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। आ जाओ ये, आ जाओ, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। इसी बात पर लाइक ठोक दो गाइस, लाइक ठोक दो, जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी ज्यादा यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा, उतने ज्यादा व्यूज आएंगे और उतनी ज्यादा मैं इस सीरीज को और बनाऊंगा भाई। बहुत ये सबसे बेस्ट चीज लगती है मुझे इस गेम में। देखो क्या ही एनिमेशन है यार, क्या ही एनिमेशन है। और ये कुछ नया सा किया है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने डिजाइन चेंज किया है। ये वाला बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट मुझे कुछ ज्यादा ही नया लग रहा है भाई। माइट बी मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ इस वजह से मुझे डिफरेंट लग रहा हूँ, बट हाँ ये कुछ डिफरेंट टाइप लग रहा है लेकिन बहुत सही है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो ऊपर गुंबद सा है ये गोल गोल, मतलब जो भी है ये सैटेलाइट स्पेस पोर्ट जो भी मशीन है ये इसमें गोल गोल घूमेगी और आसमान में सीधा लिंक कर दिया भाई हमने, आसमान में ऊपर फिक्स इट है। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा बादल के भी ऊपर जा रहा है भाई, ये बादल के भी ऊपर जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्रोडक्ट्स डालेंगे और प्रोडक्ट्स डाल के फिर उसको फुल ऊपर भेजेंगे। प्रोडक्ट्स कहाँ से डालेंगे, जैसे ये अभी हमें सबसे पहले फेज वन कंप्लीट करने के लिए मांग रहा है स्मार्ट प्लेटिंग। यार ये उन्होंने बहुत सही सही नई नई चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें नई की हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके हम ये वाला पार्ट बनाएंगे। ओह ऐसा भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे हम। ठीक है, उसके लिए हमें मांग रहा है 50 स्मार्ट प्लेटिंग। ठीक है भाई, हमें क्या करना है, आज 50 स्मार्ट प्लेटिंग का ऑर्डर आ चुका है, वो भी बनाना है। और फिलहाल के देखो छोटा मोटा जो टीयर सिस्टम है वो हम इसमें डाल के भेज सकते हैं इस वाले में, ये भी हमारी रॉकेट है, ये भी फिक्स रेट ही जाती है। बट हाँ बड़े बड़े ऑर्डर जैसे ही अभी हमारे पास आया वो इसमें जाएगा। अब हम ज़रा ऊपर पहुँच जाते हैं क्योंकि आज हमारा बड़ा ऑर्डर आ चुका है और हम उस पर लग जाएंगे भाई, स्मार्ट प्लेटिंग पर लग जाएंगे। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ आया, आने के साथ साथ मैंने कहा एक मुझे असेंबलर दे दो भाई। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर हमारे दो प्रोडक्ट्स जो बड़े वाले होते हैं उनको कंबाइन करके एक चीज़ बनाता है। ये हम बना चुके। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बन रही हैं। साथ साथ एक आया ये स्मार्ट प्लेटिंग वाला ऑप्शन। स्मार्ट प्लेटिंग में रीइंफोर्स्ड आयरन मांग रहा है और रोटर्स मांग रहा है। रीइंफोर्स्ड आयरन हमारे पास पहले ही कम चल रही है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसके लिए बिल्कुल अलग से बनाएंगे भाई, इसकी चेन बिल्कुल अलग बनाएंगे। ठीक है जी, रोटर्स की चेन अलग, इसकी चेन अलग। ठीक है, और एक चीज़ और भाई, आप लोगों ने मेरे से मैं कमेंट सारे पढ़ता रहता हूँ भाई। देखो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एक चीज़ मेरे को अब बतानी पड़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को। एक होता है टिप देना भाई कि टिप दो, एक होता है ज्ञान पेलना। देखो भाई टिप देना है, टिप के लिए मोस्ट वेलकम है, ज्ञान पेलना है तो भाई कहीं और जाओ। ठीक है, ज्ञान मत पेलो, मैं पढ़ता हूँ फिर मैं इग्नोर करता हूँ, बट हाँ कुछ लोग हैं वो भाई बेफालतू का ज्ञान पेले जा रहे हैं। अरे ज्ञान मत पेलो भाई, इतना ज्ञान पेलना है तो आप अपना वीडियोस खुद बना लो भाई। ठीक है, हम टिप मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम हूँ, मैं गलती करता हूँ, आप मुझे बताओ। ये मत बताओ कि ये चीज़ आपने ऐसे क्यों बनाई है, ये तो ऐसे बन सकती है, वो तो भाई इस गेम में हज़ार तरीके से वो चीज़ बन चुक सकती है। मैं कोशिश करता हूँ जितनी मुझे बढ़िया लगे, जो जिस पे मुझे हजम हो जाए जो चीज़, मैं वैसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये हो गई भाई ज्ञान वाली बातें, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के साथ हमें क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जल्दी से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हमें मांग रहा है इसमें दो रीइंफोर्स्ड की आयरन प्लेटें बनाने के लिए। हमने ए भाई मोटर खत्म हो गई हमारे पास, जल्दी से मोटर उठा के लेके आते हैं। मोटर किस में बन रही है, मोटर बन रही है हमारे यहाँ। ठीक है, मोटर बन रही है यहाँ, जल्दी से हम मोटर उठाते हैं और मोटर से लेते हैं हम सामान। 12 मोटर्स हमने उठा ली। एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगा, यहाँ हमारे पास कमी हो रही है, ऐसा लग रहा है कमी हो रही है क्या, कमी तो नहीं हो रही। ठीक है, स्क्रूज सही चल रहे हैं, ये भी सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। एक बार इसमें भी चेक कर लूँ कि ये कमी तो नहीं हो रही भाई, इसमें भी कमी नहीं हो रही, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हल्का हल्का सा स्लो है, वो धीरे धीरे करके मैंने स्लो ही रखा है, मैंने जानबूझ के स्लो रखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं चाहिए होती हमें। ठीक है, अब हम यहाँ आए, आने के साथ एक और ये बनाने के साथ अब इसमें मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट करना है। कैलकुलेशन पार्ट में अगर हमने यहाँ आके ये देखा, ये आयरन से बन जाएगा, ये आयरन से बन जाएगा, हम आयरन से ही बनाएंगे ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 5 बना रहा है हमें और ये कितना बना रहा है, ये 5.6 बना रहा है। हम एक काम करते हैं, हम इससे ही बनाएंगे ये, और इसमें हम कर देंगे भाई तुम दो हमें, अगर 3 के लिए कितना मांगोगे, 3 के लिए 36 और 2 के लिए कितना मांगोगे, 2 के लिए 24 12 के साथ अगर मैं 4 बनाऊं, 4 के साथ 24, 5 के साथ 30 और 60
ठीक है, एक काम करते हैं 30 और 60 वाला हिसाब किताब ही करते हैं, नॉर्मल वाला हिसाब किताब करते हैं। सबसे पहले हमें आयरन लेके आनी पड़ेगी ऊपर, फिर से आयरन यहाँ पे जितनी आ रही है एक बार चेक कर लेता हूँ कितनी आयरन में यूज कर रहा हूँ। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखो एक तो आयरन जा रही है यहाँ पे, ठीक है जी, इस वाले में जा रही है, इसमें एक बार चेक करते हैं कितनी आयरन यहाँ यूज कर रहे हैं हम यहाँ यूज कर रहे हैं 22.5। हम यहाँ यूज कर रहे हैं कॉपर, ठीक है 22.5 अभी तक आयरन यूज कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं 30, ठीक है जी, इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें कर रहे हैं हम 12। ठीक है थोड़ी सी आयरन की कमी होगी हमारे को, आयरन की थोड़ी सी शॉर्टेज चलेगी ये जो हमारी मशीन है इनमें। आयरन्स एक काम करते हैं इसको ऐसे ही चलते रहने देते हैं, हम एक और जल्दी से आयरन का यहाँ पे बंदोबस्त कर देते हैं, ये साइड वाले को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे यार, एक काम और कर सकता हूँ, मेरे पास लेवल 2 का आ चुका है, हम एक बार देख के आते हैं क्या हम लेवल 2 पे इसको लेके जा सकते हैं क्या। ओके वेरी नाइस, हमारे पास ये भी शार्ट्स भी हैं, हमने जल्दी से एक काम करते हैं, हम अपने लिए एक बनाते हैं यहाँ क्राफ्टिंग की बेंच, क्राफ्टिंग की बेंच से हमने अपने लिए बनाया एक शार्ट, ठीक है जी, हमने एक शार्ट बना लिया और एक शार्ट बनाने के बाद इसको किया हमने डिलीट। अब हम यहाँ आए, हमने कहा कि भाई तुम एक शार्ट ले लो और 60 की जगह 90 भाई तुम एक और शार्ट लो भाई, तुम्हें एक और शार्ट देंगे, ठीक है एक और शार्ट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक और शार्ट बनाया, इसको डिलीट किया और साथ साथ इसको एक और यहाँ लगा दिया, हमने इसको 120 कर दिया, ठीक है। 120 करने के साथ इसमें देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ कि 120 पे इसको ओवर क्लॉक कर लूँ, या मैं एक और 60 लगा के यहाँ पे इसको कंबाइन कर दूँ। बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि कंबाइन करने के बाद फिर मुझे ना एनर्जी देखते हैं एक बार पहले चल के देखते हैं कि बिजली कितनी है। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके में एक तरीके में मेरी सिर्फ बिजली बच रही है। एक बार हम यहाँ आए, आने के साथ देखो हम 180 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 160 नहीं भाई वही करेंगे, सिंपल सा तरीका, इसको अभी नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि बिजली थोड़ी सी बचा लेते हैं वरना हमें ज़बरदस्ती के वो लगाने पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम कोल पे नहीं गए। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक बनाते हैं अपने लिए माइनर बनाना पड़ेगा हमें, माइनर के लिए मेरे को ये बनाना इक्विपमेंट वाला बनाना, इक्विपमेंट बना के हम एक पोर्टेबल माइनर जल्दी से बना लेते हैं, ठीक है जी। एक बार हम कोल पे चले जाएंगे ना फिर हम ये कर सकते हैं ओवरक्लॉक, बट अभी जो है बिना ओवरक्लॉक के करने की कोशिश करूंगा मैं। वो कैसे करूंगा भाई, मैं वो आई से करूंगा मैं, कि हमें क्या करना है, हमें इसको मर्ज करवाना। एक काम करो, एक मर्जर जो है, अगर हम एक मर्जर लगा दें यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और साथ साथ हम कहें कि भाई तुम आसमान में जाओ और आसमान में तुम इसके बराबर आ जाओ। एक बार हम इधर आए, इधर आने के साथ ठीक है जी, ऐसे करके ठीक है, हमने ऐसे करके आई से कर दिया, ताकि ये वाली मशीन भी जब काम करे तो 60 यहां पहुंच जाए। और इसको हम अभी कर देंगे अपडेट, एक सेकंड रुको, पहले इसको पावर दे देते हैं। हमने 60 यहां से निकाला, साथ साथ हमने क्या किया, एक खंभा यहां जोड़ा और इसको भी ऑन कर दिया। अब ये 60 ये भी निकालने शुरू कर देगी, 60 को ऊपर हमें पहुंचाना होगा, तो हमें ये वाली को बेल्ट को हमें अपग्रेड करना होगा लेवल 2 में, तो हम लेवल 2 की अपग्रेड कर देते हैं, लेवल 2 हमारा 120 लेके जा सकता है, ठीक है भाई। हमने क्या किया, हमने इसको अपग्रेड किया भाई 120 में, और 120 में अपग्रेड करने के बाद अभी भी ये बॉटल नेक करेगा, क्योंकि ऊपर वाली जो बेल्टें हैं वो फुल नहीं है, मतलब वो 120 की नहीं है। और एक बार ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने के साथ यहाँ आएंगे, यहाँ आने के साथ अब इनको करना है हमें 120, ठीक है भाई। इसको किया 120, इसको किया 120, ए भाई अब हम मेरे पास खत्म हो गए भाई, मेरे पास रीइंफोर्स आयरन प्लेटें खत्म हो गई। बात आप समझ जाओ कि हम 120 जैसे कर लेंगे तो ये दोनों के दोनों बहुत बढ़िया तरीके से काम करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मार्क 2 है, ये भी मार्क 2 है, मार्क 1, ये वाली मार्क 1 है, ये वाली मार्क 2 है। एक काम करते हैं भाई, हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, तो अब जब ऐसा हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लग जाए तो भाई एक ये करना चाहिए। हम यहाँ क्या करेंगे, हम जल्दी से एक चीज़ बनाएंगे, हम साइड में एक असेंबलर बना देंगे, और असेंबलर में हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसे करके बोलेंगे कि हमारे को तुम पावर ले लो, ठीक है, पावर के साथ तुम मुझे जल्दी से जितनी जल्दी हो सके ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर करके देते रहो। इसको हमने पावर दी, पावर देने के साथ हमने क्या किया, हमने एक और डाला इसमें, ठीक है जी,
और हमारे पास शार्ट्स है नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हम हथौड़े से काम कर रहे हैं वो हमारे लिए ये मशीन काम करती रहेगी साइड साइड में, और हमें हथौड़ा भी और चलाना पड़ेगा। यहाँ हमने ये बनाया, बनाने के साथ हमने थोड़ी सी और बना ली, इतने हम ये सारी चीजें बनाएंगे साइड साइड में, हमारी रीइंफोर्स यहाँ बनती रहेगी। 10 बना के आगे बढ़ते हैं भाई। ले बेटे मुझे लग ही रहा था ये होने वाला है। ठीक है हम एक काम करते हैं, इतनी काफी है, इतनी काफी के साथ इसको डिलीट किया। हमें भाई क्या करना पड़ेगा, एक शार्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ये काफी ज्यादा पावर ले रहा है, और अगर हम इसको वापस ऑन करेंगे, हाँ हमारा 191 चला गया था, हमारी जो कैपेसिटी है वो 180 की है। ठीक है मुझे लग रहा है इतना काम करना चाहिए। यहाँ बननी भी शुरू हो गई, हमने इसमें से निकालने भी शुरू कर दी। साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारी ये इस बेल्ट को अपग्रेड करना जल्दी से। इस बेल्ट को हमने किया, ये भाई बहुत महंगा है यार, ये तो बहुत ही महंगा है, बट ठीक है अगर एक बार बन जाएगा तो हमारे लिए बाद में मज़ा आएगा, हमें को ज़्यादा वो नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, हम एक काम करते हैं जल्दी से जाके चीज़ें उठा के लेके आते हैं, जैसे कि वायर और वो सारी चीज़ें हमारी धीरे धीरे करके लेवल वन वाली ख़त्म होती जा रही हैं। हम यहाँ आए अपने, ए भाई ये तो अटका ही रह गए, ठीक है इसको ऐसे ही अटके रहने दो। हमने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वायर उठाई, वायर के साथ एक एक स्टैक, दो दो स्टैक हम सबका उठा लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमने क्या किया, हमने थोड़े से स्क्रूज उठाए, स्क्रूज के साथ थोड़ा सा ये उठाया, उठाने के साथ थोड़ा सा हम यहाँ आए और साथ साथ हमने ये भी उठा दिया। अब भाई ऊपर चलते हैं और फैक्ट्रीज बनाते हैं। ठीक है भाई ऊपर आए, ऊपर आने के साथ अब मुझे क्या है, अब मुझे एक बनाना है यहां पे आके। ठीक है हमने एक ये लगाया, एक लगाने के साथ हम इसको डिलीट करते हैं और इसको भी डिलीट करके थोड़ा सा पास लगा देते हैं, ज्यादा दूर लगा रहा हूं मैं इसको। अगर मैंने इसको समझ लो इसके साथ जोड़ा और यहाँ लगाया, ठीक है यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के साथ अब हमने क्या किया, हमने इसको अब इसमें से हमने बनाई 30 आयरन की ये इंगेट बनाई। 30 इंगेट बनाने के बाद हम यहाँ आए, आने के साथ हमने 30 इंगेट को 20 प्लेटों में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई 20 प्लेटों में कन्वर्ट कर लिया, अभी के लिए फिलहाल के लिए साइड में ये लगाओ और इस पे रेसिपी लगा दो ताकि हमें पता चलता रहे कि किसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम बना रहे हैं रीइंफोर्स आयरन प्लेट के लिए हमें चाहिए 30। एक सेकंड रुकना गाइस, मेरे को लग रहा हमने थोड़ी सी यहाँ गलती कर दी है, हमने यहाँ गलती की है या नहीं की है। अच्छा सही है, ये कम मांग रहा है, ठीक है ये कम मांग रहा है, और इसमें कितनी बन रही है, 15 बना रहा हूँ मैं, सही है भाई, ठीक है गलती नहीं की, वो हमने डिफरेंट रेसिपी लगा रखी है, यहाँ हम डिफरेंट रेसिपी लगाएंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे मांग रहा है मुझसे 5 बनाने के लिए 30 प्लेटें मांग रहा है, और हमारी जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर सिर्फ 20 बना सकती है, ये वाली कंस्ट्रक्टर जो मशीन है ये हमारी एक बार में सिर्फ 20 बना सकती है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं, या तो हम इसको कह दें कि भाई सिर्फ तू 20 ले ले हमसे। एक काम करते हैं एक बार रेसिपी चेंज करके देखते हैं, रेसिपी चेंज अगर हमने ये की और इसमें बोला 5 तो ये मांग रहा है 16, अगर मैंने कहा कि भाई मुझे 88 पे निकाल के दो, 85% पे निकाल के दो, 15 और 80% पे निकाल के दो, 80% पे 15 प्लेटें मांग रहा, नाइस। हम एक काम करते हैं हम ऐसे बना के देखते हैं, सही है हम एक काम करेंगे भाई इसी से बनाएंगे। ठीक है जी यहाँ पे हमारा बन गया ये 20 की जगह हम क्या कर देंगे, हमें चाहिए सिर्फ 15। ठीक है हमें 15 चाहिए भाई, 22.5, ठीक है और 22.5 तुम में से भी 22.5 निकालो, 22.5 कहीं। ये मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ ये सारी क्योंकि हम सब मेन बस से कर रहे हैं, एक ही बस से निकाल रहे हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा अगर आप ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर लो। ठीक है हमने क्या किया, ये यहाँ से यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें बन जाएंगी हमारी 15 प्लेटें बन जाएंगी, 22 इंगेट्स है। ठीक है और उन 15 प्लेटों को हमने क्या किया, हमने आके कर देंगे कंबाइन के लिए, इतनी दूरी लगा देता हूँ जब मैं इन सब का ही लगा रहा हूँ तो। हाँ इसको करो आई से। ठीक है भाई इसको लगाओ इसी की सीध में, और इसी की सीध में लगाने के साथ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, इसको इसकी सीध में लगाओ भाई। ठीक है यहाँ सही है, और यहाँ से हमने दे दी इसको, एक सेकंड रुको 15 रीइंफोर्स प्लेट है और 15 सही है, रुको इसको और पास लगाते हैं। अगर मैंने इसको
ठीक है यहां से डिलीट किया, यहां से डिलीट करने के बाद अगर मैंने रुको थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूं मैं कि सही लगे, सारी एक जैसी लगे भाई। इसको इधर किया, इधर करने के बाद इसको अगर मैंने पास भी कर दिया, ठीक है इसको थोड़ा सा पास ही करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके आगे भी लेके जाना है, आगे से भी घुमाना है, यहां से भी घुमाना है। ठीक है हम एक काम करेंगे, यहां बनाएंगे ये रीइंफोर्स की आयरन प्लेट है और इस वाली रेसिपी से बनाएंगे भाई। इस वाली रेसिपी से मुझे 80% पे निकाल दो यहां, 80% 4.5, वेरी नाइस। हमने कैलकुलेशन कर लिया, हमने राउंड फिगर कर लिए, 15 मांग रहा है आयरन की प्लेटें, 30 मांग रहा है हमसे वायर, 15 प्लेटें मांग रहा है, 15 प्लेटें हम यहां पे बना रहे हैं, यहां पे हम 15 प्लेटें बना रहे हैं। उसी के साथ उन 15 प्लेटों को हमने यहां से कर दिया इसमें, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हमने क्या किया, हमने ए भाई हमने इसको थोड़ा सा ऐसे किया ताकि इसके साथ साथ आ जाए, इसके साथ साथ आने के साथ हमने ऐसे कर दिया और इसमें कह दिया हमें तुम दो 22.5 इंगेट्स मुझे। ठीक है जी, सही है जी, हम ये हो गया। अब मुझे करना है साइड में उसका वायर का भी देना है इसको। वायर के लिए हम क्या करते हैं, हम वायर के लिए यहाँ बनाते हैं, इसके सीध में क्यों नहीं बन रहा, इसकी सीध में बनना चाहिए भाई। वायर के लिए यहाँ कर दो और साथ साथ एक बार चेक कर लेते हैं, वायर 30 वायर चाहिए मुझे। ठीक है ये मेरे को 30 वो देगा और 30 के साथ साथ अगर हम एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ लगा देंगे, साथ साथ हम ऐसे करके जोड़ देंगे और तुमसे कहेंगे भाई तुम मुझे वायर दो, तुम मुझे 30 वायर दे रहे हो, बहुत ही सही कैलकुलेशन हो गई ये तो। और उसी के साथ साथ हमने इसको ऐसे करके यहाँ जोड़ दिया, ठीक है जी जोड़ दिया। लेकिन थोड़ा सा क्या करना है, हाँ ऐसे करके ज़्यादा सही रहेगा कि इधर से आए। ठीक है जी यहाँ बन जाएगी हमारी 4.5 आयरन की प्लेट है, ठीक है रीइंफोर्स आयरन की प्लेट है। अब जो है इसको भी जरा एक बार सब भर देते, इन सबको भर देता हूँ, वैसे भी मेरे को भरना ही था ये। ठीक है भाई यहाँ तक भर दिया हमने, भरने के साथ अब मुझे चाहिए रीइंफोर्स की आयरन की प्लेट, यही बना रहा हूँ भाई इसमें जितनी एक्स्ट्रा होंगी ना फिर वो यहाँ पे लेके आ देंगे। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो अभी हमने यहाँ से 13 बनी है, हमने 13 की 13 उठा ली, 13 की 13 उठाने के साथ साथ हम एक और असेंबलर लगाएंगे यहाँ। हमने एक और असेंबलर लगाया थोड़ा सा ही आगे करके ऐसे करके यहाँ, और अब मैंने इसमें बोला कि मुझे तुम बना के दो स्मार्ट प्लेटें यहाँ पे, ओ थोड़ा सा और आगे लगाना पड़ेगा, हमने यहाँ करके लगा दिया, यहाँ करके लगाया, तुम सीधा सीधा जा रहे हो, वेरी नाइस। हम यहाँ पे एक काम भी और भी कर सकते हैं, हम यहाँ स्प्लिटर भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई हमने यहाँ एक स्प्लिटर लगाया, स्प्लिटर लगाने के साथ हमने आई से कर दिया, आई से करने के बाद हमने कहा स्मार्ट प्लेटें यहाँ बनाओ, इसमें दो चाहिए, हम 4.5 बना रहे हैं वहाँ, है ना, हम 4.5 बना रहे हैं, वेरी नाइस। हम इसमें ओवरफ्लो करेंगे, जब यहाँ पे फुल हो जाएगा बाकी का जितना रेस्ट होगा हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है जी नेक्स्ट जो है इसमें मांगता है रोटर, अब आ जाते हैं जरा रोटर की रेसिपी देख लेते हैं, रोटर के लिए क्या क्या मांग रहा है। रोटर के लिए हमसे मांग रहा है 25 स्क्रू और 5 आयरन, नाइस। एक बार इधर देखें रोटर भाई, इधर बना रहे हैं रोटर किधर बना रहे हैं हम, रोटर जो रोटर बन रहे हैं हमारे ये वाले हम बना रहे हैं दो। अगर मैं इसी को ज्यादा बना दूं और यहां से मैं वाहन ले जाऊं तो भी तो हमारा काम हो सकता है, है ना भाई। यहाँ एक और ये लगाया हमने, एक और यहाँ ऐसे लगाया हमने, एक और यहाँ ऐसे लगाया, इसमें दे दिया हमने पहले तो आयरन के रॉड 15 प्लस 10 हमारे पास 25 रॉड्स हैं, 25 रॉड को हमें कन्वर्ट करना है स्क्रूज में। ठीक है हम स्क्रूज में बनाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ एक लगाया, हमने अब हमारे पास ख़त्म हो गए, हम बना उठा के लेके आएंगे, रुको कोई बात नहीं है। 25 है हमारे पास, 10 मांग रहा है, ठीक है भाई 10 यहाँ दिए, 10 हमारे पास 10 80 हो गए, और 80 के बाद 25 में हमारे पास अगर 5 है, 80 के बाद 20 दे देगा ये मुझे, 5 दे देगा 20, 100 भाई मैंने भाई दिमाग में कर ली कैलकुलेशन, फुल कर ली भाई दिमाग में कर ली, देखो कितना सही कैलकुलेशन कर लिया। अभी रुको अभी आपको बना के दिखाते हैं। हमने जल्दी से यहाँ ये उठाया, इसको डिलीट किया, बाय बाय हो जाओ, इसको हमने यहाँ रखा और इसको हमने एक और यहाँ बनाया। ठीक है भाई खंबा तुम बीच में आ रहे हो क्या, खंबे तुम बीच में क्यों आ रहे हो, खंबा तुम जा कहाँ रहे हो बे, अच्छा हमने डिलीट किए ना अभी,
कोई नहीं, हम देखो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई एक में तो तुम चले जाओ सिर्फ और सिर्फ कि पांच आयरन रॉड से हम यहाँ पे दे दो, सिर्फ 20 बनाओ तुम, ठीक है। ये सिर्फ 5 आयरन रॉड मांगता है इसको 20 बनाने के लिए, ठीक है। एक रेसिपी हमने यहाँ बना के ऐसे छोड़ दी, फिर हमने कहा कि भाई मुझे 40 दे दो तुम यहाँ और 10 तुम मुझसे ले लो, हमारे पास 25 है गाइस, याद रखना हमारे पास 25 है। साथ साथ हमने इसको कह दिया कि तुम मुझे 40 दे दो और तुम भी मुझसे 10 ले लो, 10 हमने यहाँ दी, 10 हमने यहाँ दी और बाकी की 5-25 में से हमने यहाँ दे दी, और टोटल इन टोटल हमारे पास 100 बन रहा है और 100 ही हमें यहाँ पे मांगता है, ठीक है। तो ऐसा करके मैंने बना दिया है जो कि बहुत सही तरीके से काम करना चाहिए। यहाँ से हम केबल ये निकालेंगे 15, ठीक है, यहाँ से वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बड़ी मुश्किल से दिमाग लगा बट हो गया, ये सारी चीज़ें वही हो गई। 25 को हम अब हम ओवरफ्लो के तरीके से यहाँ करेंगे, पहले ये मशीन इस्तेमाल करेगी, जब ये फुल हो जाएगी फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा और सारी की सारी मशीन उसी तरीके से काम करनी शुरू कर देंगे। अब आती है बारी हमें इकट्ठा करके जो अपना स्क्रूज है उनको उसमें पहुँचाना है। स्क्रूज को इकट्ठा करने के लिए हम मर्चर लगाएंगे भाई, मर्चर्स तब मर्चर्स इधर आ जाओ, मर्चर लगाएंगे भाई। एक मर्चर हमने ऐसे लगाया, दूसरा मर्चर हमने आई से लगाया और तीसरा मर्चर हमने कुछ इस टाइप से लगा दिया। अब जो बात आती है वो बात ये है, पहले हम लगाएंगे इसमें 60 की प्लेटें, और 60 की प्लेटें लगाने के बाद अब जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे, ओ ये गलत लगा दिया, रुको 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 फिर से बनाना पड़ेगा, थोड़े से डायरेक्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अपन फिर से बना लेंगे। हमने क्या किया भाई, हमने एक तो पहले लगाई यहाँ पे एक लैडर ताकि मैं ऊपर चढ़ के देख सकूं कि मैं क्या कर रहा हूं और किस डायरेक्शन में हमारी जा रही है। हम यहां आए, आने के साथ अब हमने यहां लगाना शुरू किया मर्चर, मर्चर लगाएंगे भैया, मर्चर मर्चर ऐसा आ जाओ, ठीक है। मर्चर क्या कह रहा है, मर्चर कह रहा है मर्चर लगाएंगे, हाँ मर्चर ही तो लगाएंगे हम मर्चर लगाएंगे भाई इस तरफ से, आई से करके कि इधर चले जाओ, एक मर्चर चले जाओ इधर और एक मर्चर चले जाओ इधर, ठीक है। तुम निकालोगे इसमें जाएगा, तुम निकालोगे इसमें जाएगा और तुम निकालोगे इसमें जाएगा। अब हमें यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए थोड़ी हाई बेल्ट चाहिए होगी, थोड़ी हाई लेवल वाली बेल्ट चाहिए होगी जिसमें 120 जाए, क्योंकि ये 120 से ऊपर हो जाएगा सारा मामला, मतलब 100 लेके जा रहे हैं तो ये जो हमारी लेवल 1 वाली बेल्ट है वो सिर्फ 60 कर सकती है। हम यहाँ आए, हमें थोड़ी सी रीइंफोर्स की कमी पड़ गई जिसको हम अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ से हमने उठाया, उठाने के साथ साथ हमने क्या किया भाई, यहाँ फिर से बेल्ट लगाई, बेल्ट लगाने के साथ अब हमें यार बनानी ही पड़ेगी मुझे, ओह लेकिन बनाने से पहले हमें देखो हथौड़े मारने से पहले हमने एक मशीन चला के छोड़ दी थी जो कि हमारे लिए साइड में ऑटोमेट कर रही थी ये प्रोसेस। यहाँ पे देखो हम 59 बन चुकी है, जल्दी से हम इसमें से निकाल लेते हैं। हम यहाँ आए, आने के साथ 51 यहाँ से उठाई क्योंकि बाकी की इसमें भी लगी हुई है, 8 प्लेटों से बना हुआ भी है तो इसलिए 59 दिखा रहा था, ठीक है जी। हम वापस से गए, वापस से जाने के साथ हम यहाँ आए, आने के साथ इधर एक लगाएंगे हम लिफ्ट, है ना, लिफ्ट से लेके आते हैं यहाँ पे मामला। एक बार तुम डिलीट हो जाओ और तुम डिलीट होने के साथ एक लगाओ लेवल 2 की यहाँ लिफ्ट, जो कि ऐसे करके 1, 2, 3, 4 और 5 डायरेक्शन ऊपर हमने एक लिफ्ट लगाई। मुझे लग रहा है शायद 6 ही लगानी पड़ जाएगी बट ठीक है देखते हैं। 5 लेवल पे ऊपर लगाई लिफ्ट, साथ साथ हमने क्या किया 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके हमने यहाँ ऐसे करके लगाई और साथ साथ हमने इसको यूं करके कनेक्ट करवा दिया। एक काम और कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 करने के बाद हमने ऐसे घुमाई डायरेक्शन, वेरी नाइस, ठीक है जी। यहाँ पे हम स्क्रूज बना देंगे और ये लेवल, यहाँ गड़बड़ कर देते अभी, लेवल 1 वाली लगा दी थी, लेवल 2 वाली लग चुकी है, ये भी लेवल 2, ये भी लेवल 2, वेरी नाइस। अब हमने क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे लेवल 1 से इसको ये दे देना ताकि यहाँ पे ये आयरन के रॉड्स आ सके, ठीक है। आयरन के रॉड्स यहाँ आ जाएंगे, भाई का मामला यहाँ चला जाएगा, बहुत बढ़िया तरीके से चला जाएगा, जाना चाहिए। और हम एक काम करेंगे, इनको अपनी जेबों से पहले ही भर देंगे ताकि ये ओवरफ्लो सिस्टम हमारा जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करता रहे, ठीक है भाई। और अब हमें क्या करना है, हमें अब देनी है इनको बिजली, और बिजली देंगे तो उससे एक चीज़ और हो सकती है कि हमारा पावर सर्किट जो है वो उड़ भी सकता है भाई, तो देखते हैं, अगर उड़ा तो फिर उसके लिए हमें थोड़ा सा और पावर सर्किट और बनाना पड़ेगा।
हमें आयरन रॉड की थोड़ी सी कमी हो गई क्योंकि हमने सारी की सारी आयरन रॉड इनमें डाल दी, हम थोड़ी सी आयरन रॉड नीचे से उठा के लेके आते हैं। भाई बहुत सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा, हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ बैलेंस्ड आउट कर दिया। हम यहाँ आए, नीचे आने के साथ इधर आए, इधर आने के साथ इनमें से जल्दी से किस में पड़ी है भाई, इस वाले में पड़ी है, 4000 दिखा रहा है। तो जल्दी से हमने यहाँ से 2-3 स्टैक इसके उठा लिए। ठीक है भाई, 2-3 स्टैक उठाने के साथ हम ऊपर जाएंगे। गाइस मैं पहले एक ही वो बोलूँगा, पहले खेलो समझो कि कौन सी मशीन कैसे काम कर रही है, और फिर उसके बाद जब एक बार समझ आ जाए ना उसके बाद भाई ऑर्गेनाइज करना शुरू करो, थोड़ा सा कैलकुलेशंस के साथ खेलो ताकि आपको बार बार डिलीट और वो सब ना करना पड़े। देखो हमने एक बार डिलीट किया, वो इसलिए किया क्योंकि बाकी का काम हो जाएगा वहाँ से, बस यही रहेगा कैलकुलेट करके करोगे ना तो मज़ा आएगा भाई। हमने क्या करना है, हमने आई से करके डबल रैंप लगानी है यहाँ से। एक काम करता हूँ, डबल रैंप भी एक काम करो भाई, 2-3 ऐसे करके आगे कर दो, 3 आगे के बाद एक डबल रैंप जो है मुझे तुम यहाँ से निकाल के ऐसे दे दो। ठीक है जी, हमें ऊपर जाने का एक रास्ता, डेडिकेटेड रास्ता बना के करना है, उसके लिए भी करेंगे, अभी फिलहाल के लिए शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं। हम ऊपर आए, ऊपर आने के साथ अब हम क्या करेंगे, अब हम सब में खम्बे लगाएंगे, खम्बे लग जाओ भैया, सब में खम्बे लग जाओ, आए से करके खम्बे लगाओ, और तुम तो इसी में कनेक्ट हो जाओ, तुम्हारे पास खम्बा है। वैसे तुम एक काम कर सकते हो, एक खम्बा बीच में लगा सकते हो, खम्बा गलत लग गया, खम्बा इधर लगा दो। ठीक है, हमने क्या किया, अब इस वाली मशीन को इससे जोड़ा, इस वाली मशीन को इससे जोड़ा, और इस खम्बे को जोड़ दिया इस खम्बे से, ये दोनों काम करने लग गए। इस खम्बे को जोड़ा हमने इस खम्बे से, ये काम करने लगा। ठीक है जी, इस मशीन जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ आए, आने के साथ अब हमें देखना है, क्या देखना है हमें, सारी मशीनें काम कर रही हैं, ये वाली मशीन काम कर रही है, ठीक है ठीक है, सब मशीनें काम करने लग गई हैं, वेरी नाइस। स्क्रूज बन के जा रहे हैं भाई, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, 120 की स्पीड से जा रहे हैं स्क्रूज। अब जो है, अब वो इस मशीन में आएंगे और हमें चार ये रोटर्स बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, ये देखो इधर आना शुरू होगा, जैसे ही 25 आएगा 4 रोटर्स बनेंगी। अब ये जो 4 रोटर्स हैं, अब हमें कमाल करना है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, 4 रोटर्स में से 2 रोटर्स, मुझे लग ही रहा था, मुझे ऐसा लगा था भैया, फीलिंग हुई थी कि हम काफी ज्यादा स्पीड में एक्सपैंड कर रहे हैं, हमारे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी बिजली की प्रॉब्लम। एक बिजली की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब जल्दी से मैं ये टेस्ट करके देखना चाहता हूँ, क्या पता इससे सॉल्व हो जाए। हम एक काम करेंगे भाई, हम एक पावर शार्ट निकाल लेंगे और हम अब देखते हैं क्या बिजली अब चलेगी क्या। नहीं भाई, बिजली अब भी नहीं चल रही है, तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा चीटिंग करनी पड़ेगी, चीटिंग्स ऐसे करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले बनाए हुए हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये भी हो सकता है भाई, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हमारे पास वो ही ख़त्म हो गए। हाँ, ओकीस, ठीक है, हमें एक काम करना पड़ेगा, हमने देखो भाई ध्यान नहीं दिया, हमने इसको अभी भी हैंड फीड पे ही तो चल रहा है, ऑटोमेट किया हुआ है उसकी अलग बात है, पर फिर भी हमें ये सारी चीज़ें तो डालनी ही पड़ेंगी। और देखो मैंने गलत डाल दी, और भाई गलत नहीं डालनी, ऐसे नहीं करना, हमें यहाँ पे इस बार, ए भाई रुको, फिर ये हरकत कर दी मैंने, हमें यहाँ पे डालना है, हरा है तो हरे में घास डालनी है, और इसमें डालना है ये, ठीक है जी, इसमें डाला ये, और साथ साथ हमने क्या किया, हमें एक एक दो दो जो ये है फ्यूल है इन सब में डालना, इसमें कितना, ओ हमारे पास यहाँ, हाँ भैया यहाँ पे है, इसको यूज़ करेंगे जल्दी से थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, हमने इसमें ये डाल दिया, इस वाले में भी डाल दो भाई, थोड़ा सा इस वाले में भी डल जाएगा, थोड़ा सा इस वाले में भी डाल दो, ठीक है इस वाले में भी डाल दिया, और इस वाले में डालो थोड़ा सा, ठीक है इस वाले में डाला, और थोड़ा सा इस वाले में डाल दो भाई, 50 इसमें डाला, 100 इसमें डाला, ठीक है, और इसमें कितना, इसमें भी हमने 50 डाल दिया, बाकी का ऑन किया, बाकी का धीरे धीरे करके यहाँ से आता रहेगा, जब बनता रहेगा, हमें थोड़ी सी और घास फूस काट के इसमें डालनी पड़ेगी तो हमारे ये सही से काम करता रहेगा। अभी हम थोड़े से बिजी थे भाई, हम ऊपर बना रहे हैं तो हमने नीचे ध्यान नहीं दिया।
अभी हमारे पास कितनी पावर है एक बार चेक करें। हमारे पास पावर है हम 210 की कैपेसिटी है हमारे पास, हम 196 यूज़ कर रहे हैं, चलेगा अभी के लिए चलेगा, बाद में आके थोड़े से, अभी मुझे लग रहा है एक बार फिर से सर्किट कटेगा क्योंकि जब हम वो बनाएंगे, बट देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ आज भी ये जो है अपने लिए ये बना लें भैया और इसको ज़रा आसमान में डिलीवर करा दें। ठीक है भाई, यहाँ आए, यहाँ आने के साथ देखो स्क्रूज हमने वहाँ पहुँचा दी, रोटर्स हमारे यहाँ बनने शुरू हो गए। हमें दो रोटर्स क्या करने हैं, यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, दो रोटर्स को हम लेके जा सकते हैं। दो रोटर्स को हम कहाँ लेके जा सकते हैं, दो रोटर्स को हमें यहाँ लेके आना है, इन वाले में ला के देना है। इन वाले में ला के कैसे देंगे, इन वाले में ला के ऐसे देंगे के ठीक है, रीइंफोर्स्ड हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, ओके रोटर्स हमारा वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, मैं दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई कि कैसे कैसे करना है। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, हम लेवल 1 वाला ही लगाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ दो ही रोटर्स लेके आनी है वहाँ से। हम ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 तो हमने ऊपर कर दिया, 5वें ऊपर करने के साथ हम यहाँ आए, यहाँ आने के साथ इसको डिलीट किया, इसको हमने यहाँ तक देखा कि कहाँ तक लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक लग रहा है, एक हमने स्प्लिटर लगाया, स्प्लिटर हमने लगा दिया ऐसे करके। ठीक है भाई, ये जो है हमने 1, 2, 3, 4 और 5 पे हमने ऐसे करके स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट 2 को हमने जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 को हमने जोड़ दिया वहाँ पे, ये सीधी सीधी जा रही है, सीधी सीधी तो नहीं जा रही, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, क्या हम थोड़ी सी टेढ़ी को हम सही कर सकते हैं, कोशिश करके देखते हैं। तुम भी डिलीट हो जाओ, तुम एक काम करो, जो स्प्लिटर है वो स्प्लिटर ये तो मर्जर है, स्प्लिटर को हमने ऐसे किया, ठीक है भाई, ऐसे किया अगर ऐसे करने के साथ हमने इसको ऐसे किया, एक मार्क 1 वाला लिफ्ट ली और मार्क वन वाली लिफ्ट लेके हमने इधर लगाने की कोशिश की, 1, 2, 3, 4, 5 तो हमने ऐसे करके यहाँ लगाया और साथ साथ अब हमने यहाँ जोड़ दी। मच बेटर दोनों ये सही है, बढ़िया के साथ जितना बाकी बचा हमारे पास, 2 हमने यहाँ कलेक्ट कर लिया, 2 हमने वहाँ भेज दिया ऊपर जाके। ठीक है जी, धीरे धीरे करके वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा और अब हमें पावर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये वाली जब मशीनें ऑन करेंगे तो इसमें लगेगी पावर। भैया पावर, हमें कोल जाना पड़ेगा भाई, हमें बहुत जल्दी कोल जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले इनको भी सामान दे देते हैं, इस पर हमारा आयरन मांगता है, 22 आयरन मांगता है, इस पर हमें कॉपर देना है। कॉपर क्या हमारे पास कॉपर है, हमारे पास कॉपर 30 एक्स्ट्रा है, हमारे पास यहाँ पड़ा भैया 30 एक्स्ट्रा, और 30 एक्स्ट्रा कॉपर हम यहाँ से ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, पहले हम इसको एक यहाँ लगाएंगे इसी डायरेक्शन में, सही है। ठीक है जी, यहाँ से हमने क्या किया, लेवल 1 वाली बेल्ट को यहाँ लेके आए, यहाँ के साथ ये 30 है। ठीक है जी, 30 के साथ अब हमें एक स्प्लिटर लगाना है, और एक स्प्लिटर लगा दो यहाँ पे, इसको हम ले गए थोड़ा सा और पीछे। ठीक है, इसको हमने डिलीट किया, फिर से बनाई, यहाँ तक लेके आया, इसको हमने यहाँ डाला और फिलहाल के लिए यहाँ ऐसे कर दिया। ठीक है जी, सीधा सीधा 30 यहाँ पे बची हुई थी, वो 30 की 30 यहाँ चली जाएगी। इसमें क्या मांगता, अरे गलत जगह डाल दी भैया, देखो ये गड़बड़ हो गई, हमने कॉपर यहाँ मांगता है। ठीक है, कॉपर यहाँ मांगता है, कॉपर को यहाँ से डिलीट किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आगे आके हमने यहाँ ये करके लगाया, इसको हमने यहाँ से डिलीट किया और इसको हमने यहाँ तक लेके आया, साथ साथ इधर डाला, इधर डालने के बाद हमने इधर डाल दिया, इधर वाले में हमने कॉपर दे दी 30। यहाँ पे हमें आयरन मांगता है, जल्दी से आयरन दे देते हैं इसको। आयरन के लिए हमें क्या करना है, सेम तरीके से यहाँ पे भी एक स्प्लिटर लगाना है। स्प्लिटर भैया तुम यहाँ लग जाओ। ठीक है, स्प्लिटर भैया तुम यहाँ लग गए, तुम डिलीट हो, तुम क्या करो, तुम थोड़ा सा और यहाँ पे लग जाओ, तुम भैया डिलीट हो जाओ। तुम डिलीट होने के साथ साथ ये मार्क 2 लगानी पड़ेगी ना, ये चीज़ याद रखनी है, मार्क 2 लगाई हमने यहाँ तक, मार्क 2 लगाई हमने, ये गलत लगा दिया, ये इसमें क्या जा रहा है, इसमें डब्बे बन गए, डब्बों को डिलीट कर देते हैं हम।
डब्बे को डिलीट करने के साथ इसको भी डिलीट करते हैं, साथ साथ एक स्प्लिटर जो है हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से दे दिया। मार्क टू की बेल्ट हमने यहाँ से लेके यहाँ दी, यहाँ से लेके हमने यहाँ दे दी भैया, सही है, वेरी नाइस। अब हमने क्या किया, मार्क वन, क्योंकि हमें सिर्फ 30 ही निकालना होगा यहाँ, है ना, हमें 30 निकालना है, सही है। हमने मार्क वन यहाँ कर दिया, मार्क टू की स्पीड से यहाँ जा रहा है। ये कौन सी बेल्ट है, ये मार्क वन है, इसको भी हम जरा मार्क टू कर देते हैं, इसको भी मार्क टू कर दो भाई, क्योंकि लास्ट तक वरना पहुँचेगा नहीं। मार्क टू किया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे मार्क वन, ये भी मार्क, हाँ यहाँ मार्क वन रहने दो, सही है जी, बढ़िया बढ़िया के साथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सबको कनेक्ट कर देना है और बिजली को कर देना है बाय बाय टाटा, क्योंकि जैसे ही अपन इसको कनेक्ट करेंगे हमारी बिजली उड़ जाएगी भाई, ऐसी फीलिंग है। ए इसको डिलीट करो, इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करो, इसमें क्या है, अरे इसको भी तो आयरन देना है भैया, इसको कितना आयरन देना है, इसको 15 आयरन देना है, 15 आयरन यहाँ से कितना बन रहा है यहाँ पे, ओके ठीक है भाई करते हैं, इसको डिलीट करके फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब हो रही है, अपन चाहते हैं सब कुछ अलाइन हो के लगे। अपन ने क्या किया, एक डब्बा और बन गया, डब्बे में क्या है, डब्बे में वायर है, वायर को डिलीट करो, एक काम करो, सही है, शॉर्ट करके हमारे पास जगह बन गई। जगह बनने के साथ साथ हमने क्या किया, इसी की प्लेसमेंट के साथ हमने एक और यहाँ पे यूं करके लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये लगाया, यहाँ पे हम 60 लेके आ रहे हैं तो हम यहीं से ले सकते हैं, हमें बार बार ऊपर जाने की भी ज़रूरत नहीं। हमने क्या किया, हमने 60 को गया, क्योंकि हमें सिर्फ 15 ही चाहिए यहाँ। हमें ये देखो गाइस, ये सारी चीज़ें मेरे को इसलिए मदद कर रही हैं क्योंकि मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, तो अपन कैलकुलेट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि ये मांगता है 15, सही है, 15 मांग रहा है ना भाई, इंगेट मांगता है 15, हमने वहाँ से दे दिया, 60 हम इसको दे रहे हैं, 30 ये मांगेगा, सही है, इसको ये 60 दे रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इनको ज़रा कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया, साथ साथ हमने क्या किया इसमें पावर दी, इसको खम्बे को हमने जोड़ा यहाँ, इसको पावर दे दो, पावर के साथ हम पावर आगे ले गए बेटे, बहुत जल्दी कटने वाला है पावर, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 210, यूज कर रहे हैं 204 अभी तक, ठीक है, 204 के बाद इनको भी जोड़ देते हैं भाई। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, इसको ज़रा डिलीट करो, यहाँ से हमने यहाँ तक लेके आए, इसको जोड़ा इससे, ठीक है, ये सारी मशीनें काम करने लग गई। इस वायर को हम लेके आए यहाँ, इससे निकालते हैं, इस वायर को लेके आए हम यहाँ तक, फिर इसको जोड़ा, इस वायर को ले गए हम आगे यहाँ तक, फिर इससे इसको जोड़ा, ठीक है जी। ये क्यों बना हुआ है, ये हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए बनाया हुआ था, इसको डिलीट कर सकते हैं भाई। सारी की सारी मशीनें लगा दी हैं, एक मशीन लाल हो रही है, मुझे लग रहा है वहाँ तक शायद पावर पहुँची नहीं है, हाँ यहाँ तक पावर नहीं पहुँची है। इसको हम इस खम्भे से दे देते हैं, ये भाई सारे के सारे खम्भे भरते जा रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो, इसको यहाँ करो, इसको इससे कनेक्ट करो और इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दो, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया, सही है, वेरी नाइस। एक बार ज़रा देख लेते हैं, 210 भाई, अगर हमारी सारी मशीनें काम करने लग जाएंगी, 230 की पावर हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ मशीनें बंद पड़ी हैं उनको बंद ही रहने देते हैं, सही है, देखते हैं कि क्या ये मशीन सही से काम करेगी और हमारे लिए स्मार्ट प्लेटिंग ऑटोमेट करेगी क्या, ठीक है, इसको डिलीट कर दो, इसको ऑन नहीं करेंगे, अगर इसको ऑन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा पावर का, पावर वेस्ट। एक बार हम नीचे आने के साथ ज़रा चेक करें, मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है, हमें दो और लगा के ऐसे ही थोड़ा इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यहाँ छोड़ देने चाहिए, ठीक है भाई, दो और लगा के हमने इमरजेंसी के लिए छोड़ दिए, इसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी पावर हमने यहाँ से दे दी और अब हमने इनको हैंड फीड कराना पड़ेगा, हमने यहाँ 200 दे दिया, बाकी का हमने यहाँ डाल दिया, इसमें कुछ आ रहा हमारे लिए, इसमें भी आ रहा, हमने यहाँ से उठाया, सही है, इसमें उठाया, उठाने के साथ अभी मैंने कहा कि अभी के लिए मुझे मत दो, जमा मत करवाओ, यहाँ भेजो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी कमी होनी शुरू हो गई भाई,
यहाँ पे भी कमी होनी शुरू हो गई। इसमें जरा हमने ये 50 का 50 हमने यहाँ डाल दिया। अब जरा ऊपर चेक करके आते हैं, ऊपर हमारा भाई जो है सिस्टम जो है ऑटोमेट जो किया है वो कैसा काम कर रहा है। फिर बाद में एक राउंड मारना पड़ेगा मुझे, इनको फुल करना पड़ेगा भाई घास फूस से, वरना हो नहीं पाएगा। चलो चलो आज मैं अगर ऑटोमेट हो जाए हमारा वो क्या है ऑटोमेट कर रहे हैं और स्मार्ट प्लेटें ऑटोमेट कर देंगे। साथ साथ हमने रीइंफोर्स आयरन प्लेटें जहाँ बना रहे हैं वहाँ से थोड़ी सी निकालनी भी है भाई, वहाँ 4.5 बना रहे होंगे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ, और फिर उसको जमा करनी भी शुरू करनी है। ठीक है, हम यहाँ आए, देखो यहाँ आने के साथ साथ यह पीला पीला क्यों है भाई? पीला पीला इसलिए क्योंकि इसको रोटर्स नहीं मिल रही है। रोटर्स इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि रोटर्स चली ही नहीं है। रोटर्स क्यों नहीं चली हैं? रोटर्स नहीं चली हैं क्योंकि हमने ये कनेक्ट करना भूल गए भाई। कोई टेंशन वाली बात नहीं, देखो अब यहाँ से धड़ाधड़ रोटर्स निकलेंगे और धड़ाधड़ स्प्रेड होंगे, दो यहाँ जाएंगे दो यहाँ जाएंगी, ठीक है, दो यहाँ जाएंगी और इसमें आएंगी। इतने रोटर्स यहाँ आती हैं, इतने हम रीइंफोर्स आयरन प्लेट का भी कर लेते हैं। रीइंफोर्स आयरन प्लेट है, वेयर आर यू इसमें गई, ठीक है, इसमें से हाँ यहाँ आई, यहाँ आने के साथ इसमें भरनी भी शुरू हो गई। यहाँ कितनी बना रहे हो तुम? 4.5, ठीक है, 4.5 में से अब मुझे यहाँ कितनी चाहिए? यहाँ चाहिए मुझे दो चाहिए। अब मुझे कैसे करना पड़ेगा ताकि मैं अपने लिए निकाल सकूँ? अगर मैं यहाँ पे इसको इधर कर दूँगा, हाँ सही है, इधर से हम निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा वाली जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा है वो यहाँ आ जाएंगी। और हम किस में जमा कर रहे हैं? हम सबसे पहले वाली में जमा कर रहे हैं। सबसे पहले वाली में जमा करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और लिफ्ट लगाई भाई। यहाँ ये मर्जरी है ना, ये स्प्लिटर है, स्प्लिटर को हमने डिलीट किया। स्प्लिटर को डिलीट करने के साथ ये क्या कर रहा है, इसको डिलीट किया। ये कैसे कैसे टेढ़े मेढ़े बना दिए भाई मैंने। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक लगाया मर्जर। मर्जर लगाने के साथ साथ, ठीक है जी, मर्जर लगाया हमने यहाँ पे, इस वाले को हमने कह दिया कि मर्ज करो, यहाँ से इधर निकल जाएगा, वेरी नाइस, यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, सही है जी। तो कितने बना कितने रहो तुम भी 4.5 बना रहे हो ना, तो 4.5 को दो इधर, ठीक है, इसको अभी ऐसे काम करने दो। साथ साथ उधर से लेके आते हैं मामला, इधर से लेके आना है एक्स्ट्रा वाला मामला जो है हमारा। लिफ्ट वन लगाई हमने, एक दो तीन चार पांच की हाइट पर हमने कह दिया भाई इधर इधर आ जाओ, एक दो तीन चार पांच की हाइट पर हमने कह दिया भाई इधर आ जाओ। ठीक है, यहां से यहाँ तक की पेल्ट बनानी है जो कि बहुत मुश्किल लग रही है। इसको कैसे करेंगे, इसको हम कुछ बढ़िया तरीके से करना चाहूँगा मैं इसको। पहले तो यहाँ तक लेके आते हैं इसको, ठीक है भाई, एक दो तीन चार और पांच के साथ हमने ऐसे करके घुमाया, ठीक है भाई, यहाँ से लेके आए। क्या सीन है, इसमें कनेक्ट क्यों नहीं हो रही यहाँ से? ओ, इसका आउटपुट गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? इसका आउटपुट गड़बड़ कर दिया भाई, आउटपुट गड़बड़ कर दिया। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर से बनेगी। ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच के साथ हमने इसको ऐसे किया, ऐसे के साथ हम ले गए यहाँ पे, इसको ऐसे करके दे दिया और देने के साथ इसको लगा दी हमने गलत। ठीक है भाई, एक दो तीन चार पांच के साथ अब हमने क्या किया, हमने यहां से ले गए और अब लगा दी हमने सीधी लगाने के बाद अब हमें ऐसा करना है कुछ हिसाब किताब। ऐसे में कैसे कर सकते हैं हम जो और बढ़िया तरीके से आ जाए? अगर मैं इसको यहां तक लेके आऊं, एक दो तीन चार पांच के साथ एक दो तीन चार नहीं तीन पे रखूँ इसको और इसको डिलीट करूँ और इसको भी
एक एक दो तीन, तीन कर दो तीन के साथ भाई। अरे यार ये गलत बना दी, ये गलत बना दी, गलत बना दी। ठीक है एक एक दो तीन, ठीक है तीन किया, तीन के साथ हमने इसको ऐसे करके जोड़ा, इसको जोड़ने के साथ हमने इसको ऐसे करके जोड़ा। तो ये आई से करके यहाँ से जितना हमारे पास एक्स्ट्रा होगा रीइंफोर्स प्लेटें वो जाएंगी हमारे पास इधर, इधर को आ जाएंगे इस डब्बे में और अब हमारे पास अच्छी खासी रीइंफोर्स प्लेटें जमा होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने रीइंफोर्स प्लेटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे को रीइंफोर्स प्लेटें ही लग रही हैं, यहाँ पर हमारा मोटर भी आनी शुरू हो गई है और साथ साथ अब मुझे लग रहा भाई हमारा स्मार्ट प्लेटिंग भी शुरू हो गया होगा। देखो भाई, देखो भाई आठ हमारा स्मार्ट प्लेटिंग बन चुका है। अपने को मांगता है 50 पहली डिलीवरी करने के लिए, धीरे धीरे करके हमारी ये डिलीवरी पूरी हो जाएगी, अपन यहाँ 50 बना लेंगे और बाकी के बाकी सारी की सारी फैक्ट्री हमारी सही से चलने लग गए भाई। और हमें ज़्यादा भी नहीं बनाना पड़ा, हमने पहले ही वाली फैक्ट्रीज को और पूरा कर दिया। ठीक है जी, ये हमारी फैक्ट्री है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से लेवल 2 समझ लो, मतलब एक एडवांस लेवल मान लो। नीचे वाला हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला मटेरियल हो गया और यहाँ पे थोड़ा एडवांस वाला मटेरियल हो गया भैया। ठीक है जी, ये बनना शुरू हो गया है यहाँ साथ साथ। एक बार नीचे चल के देखते हैं, नीचे चलने के साथ ये जो जितना यहाँ डिपार्टमेंट में जमा हो रहा है ना सामान, इस सामान को इधर भी लेके आना है, इधर लेके आना है ताकि हम यहाँ से नीचे नीचे ही सब कुछ सामान कर सके। और जैसे ये सारा का सारा सामान नीचे ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है स्टार्टिंग वाला सामान है ये सारा का सारा, अगर नीचे वो वाला भी आ जाएगा ऊपर वाला सामान भी नीचे आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। अब मुझे ये चीज़ करनी है कि इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा, ये चीज़ बाद में करेंगे, यह चीज़ बाद में करेंगे। अब मैं भाई एक काम करूंगा, मैं ज़रा घास फूस काट के उसमें भरूंगा, वरना हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री जो है वो बहुत जल्दी बंद हो जाएगी और हमें इसमें से जैसे ही वो आ जाएगा हम कर लेंगे, मतलब इसका पार्ट दे देंगे, फिर उसके बाद हमें कोशिश करनी है अपने लिए कोल खोदने के लिए। सो गाइस इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मेरा नाम है बाबा। गाइस दिल से अच्छा लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और इस गेम को भाई सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट ज़रूर करना। जिन जिन्होंने यहाँ तक देखा भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी तो जानूँ कौन कौन देखता है भाई यहाँ तक। बाय बाय, लव यू ऑल।